गाइस वेलकम टू रिंकीज एंजल अगेन। तो यस, अब हम कर रहे हैं जुलाई के लिए फोरकास्ट, जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। तो इस महीने जो मैं डेक यूज कर रही हूँ वो है एंजल आंसर्स। अगर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये डेक कैसे यूज करते हैं, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे मैं उनको बता देती हूँ कि आपको एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में करंटली चल रही है, जो प्रेजेंटली आप जिस चीज़ में कहते हैं थोड़ा अटके हुए हो या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन दिमाग में सोच लीजिए ये वीडियो देखने से पहले, अपनी राशि का देखने से पहले आप वो क्वेश्चन दिमाग में मेडिटेट कर लीजिए बेसिकली एक मिनट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपके लाइफ में आप रिलेट कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपके सिचुएशन का आंसर होगा पर्टिकुलरली। तो ये एंजल आंसर डेक मैं यूज़ कर रही हूँ और तीन टैरो कार्ड जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए, आई होप ये आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन लाइफ। सो दैट्स अबाउट इट एंड वी मूव ऑन टू स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है दी हेरोफेंट, दी हेरोफेंट आपको बता रहा है कि इस महीने आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ में, हर एक स्टेप में। तो इट्स द टाइम टू बी यू नो अप्रिशिएट एवरीवन। आपके सराउंडिंग्स जो भी लोग हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनका ग्रैटिट्यूड आप फील कीजिए, उनको थैंकफुल फील कीजिए, उनको स्पेशल फील करवाइए, बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू एज अ टीम। इट्स जस्ट नॉट यू, इट्स टोटल टीम वर्क जो आपने आज अचीवमेंट्स करी है, जो आज आपने सक्सेस पाया हुआ है उसके साथ सिर्फ आप एक जो कहते हैं ना हकदार नहीं हो, सारे हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं वो आपको सोचना है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पीपल अराउंड मी। सो टैरो इज टेलिंग मी दैट यू हैव रियली रियली ग्रेट पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एवरीबडी लीव्स डेफिनेटली गुड वाइब्स फॉर यू। द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ कार्ड ऑफ कप्स, द टू ऑफ कप्स विच इज टेलिंग यू दैट यू नो इट्स द मैटर ऑफ दैट बॉन्ड, इट्स द मैटर ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो यू आर फीलिंग वेरी वेरी सैटिस्फाइड, कंटेंट इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। यू फील जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सारी खत्म हो चुकी है। अब हम एक फेज में आए हैं जहाँ इट्स जस्ट अबाउट द टू ऑफ अस, इट्स जस्ट वॉट अबाउट वॉट वी लाइक, वॉट वी डिसलाइक। तो कहीं ना कहीं एक जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली बेटर हुआ है, एंड यू फील दैट यू आर एट पीक राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप। आपको लग रहा है सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम हो रही है जैसे आपने ड्रीम किया था, जैसे आपने सोचा था। तो इट्स द टाइम दैट योर रिलेशनशिप इज डेफिनेटली ब्लूमिंग, विच इज़ अ ग्रेट साइन। थर्ड कार्ड इज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग यू दैट यू नो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो अपने पोजीशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, आप है ना आपके कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप नहीं करना चाहते हो। आपको आ रहा है कि आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर आना है बिकॉज आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इट्स जस्ट लाइक यू नो यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू वॉन्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट कि मेरे को कुछ अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है मुझे उसको कंसिडर करना चाहिए। अपने कम्फर्ट जोन में वो एक फियर हो गया कि यू नो हाउ विल आई डू इफ आई स्विच समथिंग और इफ आई गेट अ न्यू प्रोजेक्ट, हाउ विल आई डू। तो वो एक फियर वाली चीज़ आपको डेफिनेटली इस महीने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकालना है। पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन बिकॉज देर इज लॉट्स मोर टू कम इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। एंड नाउ द एंजल आंसर, एंजल आंसर फॉर यू इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एंजल्स बता रहे हैं जो सिचुएशन में आप हो इस वक्त, यू नो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी नहीं मिली हुई है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको वो सारी जानकारी हासिल करनी होगी, सब कुछ जानना होगा इन एंड आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ओनली देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि इसके बाद क्या करना है। अब कैसा है कि आप अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उन लोगों के बारे में
complete information नहीं है. Get the complete information and then you will be clear कि आपको क्या करना है. आप automatically समझ जाओगे. तो आपको कुछ ज़्यादा stress लेने की ज़रूरत नहीं है. Just be very clear about every information that you get about a particular situation in your life. So that's about it. I hope आपका महीना अच्छा रहे and come back for more videos. Subscribe to the channel. Thank you.